भारत को मिल चुका है अपना पहला FCG कैलवे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन भाटी। जी हाँ अर्जुन, इस वक्त हम मौजूद हैं JP ग्रीन्स में और हमारे साथ मौजूद है अर्जुन भाटी, जो कि 3 बार के जो है विश्व चैंपियन, जूनियर जो विश्व चैंपियन है वो बन चुके हैं। और इस बार ये अभी सीधा यहाँ पे आए हैं अमेरिका से, यहाँ पे DND पहुँचे और DND से आने के बाद इनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। तमाम जो ग्रेटर नोएडा के जो रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे पहुँचे और भव्य स्वागत किया। तो हम अब बात करेंगे अर्जुन से। सबसे पहले तो अर्जुन आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस तरीके से आप पूरे इंडिया में पहले चैंपियन बने हो, तो सबसे पहले तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे टूर का, उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं डेजर्ट में खेल रहा था और ग्रेटर नोएडा दिल्ली में तो बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और मुझे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला। वहाँ पे अराउंड 40 कंट्रीज़ के बच्चे थे तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ये बताइए कि आपने मतलब पिछली बार से किस तरीके से इस बार तैयारियाँ की थी, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बड़ा था, चैलेंजेस बहुत बड़े थे, तो किस तरीके से आपकी पूरी तैयारी थी और किस तरीके से आपने ये जो सफलता है इसको हासिल किया? देखिए मैं इसको जाने से पहले बहुत मेहनत करी है, मेरे कोच ने, मेरे कैडी भैया ने बहुत बहुत सपोर्ट रहा है उनका, तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों में फोकस किया था। फिटनेस, इक्विपमेंट, डाइट, ये 3 चीज़ हमारी प्रायोरिटी थी जाने से पहले। और फिर वहाँ पे जाने पे बहुत चैलेंजेस थे, जैसे मैं 5 टूर्नामेंट खेल रहा था लगातार, तो मेरा एनर्जी लेवल हर टूर्नामेंट में सेम रहना चाहिए था, तो हम वो ट्रैक कर रहे थे। मेरी स्लीप, मेरी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने बताया कि सारी टेक्निकलिटीज़ थी, उसके बाद अगर हम बात करें कि वहाँ का आपको सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन अगर हम बात करें, तो कौन से खिलाड़ी से आपको ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन जो है हमें खिलाड़ियों से मिल रहा है? जो सेकंड आया था जेरेमी चैन, तो मैं उसे 2 दिन के बाद 5 शॉट पीछे था, तो मुझे कम से कम 5 शॉट तो करने थे और अगर 5 शॉट होता तो प्ले ऑफ था। मैंने सोचा था कि 6 शॉट कम से कम रिकवर करने हैं और इवेंचुअली मैं 3 शॉट से जीता, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीटर था क्योंकि 2 दिन के बाद उनका टोटल 13 अंडर हो गया था और मैं 8 पे ही था। फिर मैंने फिनिश 17 अंडर पे किया, मैंने लास्ट होल 9 अंडर मारा। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं आप लगातार जो है तमाम अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले किरण रिजिजू के साथ भी आप मिले, विराट कोहली की फाउंडेशन है उन्होंने भी, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए कि वो पूरा कैसे आपको फाउंडेशन में मौका मिला, उसके बारे में थोड़ा। फाउंडेशन, जैसे मैंने 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, वो सिर्फ एक स्पोर्ट से एक ही खिलाड़ी को लेते हैं, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने बोला थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब अच्छा प्लेयर हो जाता है उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको उस दौरान विराट कोहली से मिलने का भी मौका मिला था? हाँ जी, मेरे को नहीं मिलने का मौका मिला क्योंकि 16 फरवरी को हमारा फंक्शन था लेकिन 14 को पुलवामा अटैक हो गया था, इसलिए सिंपथी के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया इवेंट, और अभी जल्द ही इवेंट होने वाला है। ये सब बहुत ही अच्छा आपका जा रहा है, तो अब ये बताइए कि आपने ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत लिया, इसके बाद फिर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके बाद कौन सी आगे आने वाली चैंपियनशिप है जिसके लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा। अभी 19 से मेरा रामबाग में इवेंट है, नेशनल चैंपियनशिप, उसके 10 दिन बाद दोबारा मेरा JP में मैच है, तो मेरे अभी 7 नेशनल टूर्नामेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो मेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, मेरे कोई रैंकिंग नहीं गिर सकती, तो बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस चल रही है उन टूर्नामेंट्स के लिए, कल से मेरी दोबारा प्रैक्टिस शुरुआत हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं? आपका अब जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे, तो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और आपका स्कूल आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है? मेरा स्कूल ग्रेटर वैली स्कूल बहुत ही सपोर्टिव है शुरुआत से ही, उन्होंने बोल दिया था कि आपको जहाँ पर खेलना आप खेलिए, बस एग्ज़ाम्स के लिए आ जाइए करिए, उन्होंने मेरे को 2 टीचर्स के साथ प्रोवाइड किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं एक चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ, और एग्ज़ाम टाइम में तो गोल्फ चलता रहता है और पढ़ाई भी चलती रहती है, जैसे टूर्नामेंट्स के लिए जाते तो मैं और पापा बुक्स लेके जाते ताकि रिवीजन रहे हमारा सारा काम का। आपने बहुत अच्छा मतलब आपकी परफॉर्मेंस जारी है, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से आपने सबके लिए एक एग्जांपल सेट किया है, इंडिया में गोल्फ जो है उतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर बच्चे जो है क्रिकेट को परस्यू करना चाहते हैं या फिर अब बैडमिंटन आया है, तो गोल्फ जो है थोड़ा सा नया स्पोर्ट है, तो आप जो आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? देखिए कोई भी स्पोर्ट हो, गोल्फ हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कराटे हो, लेकिन फोकस, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, एटिकेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को आप 100 बार प्रैक्टिस करेंगे जब वो आती है वो भी परफेक्ट नहीं हो सकती, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और एक ही चीज़ पर फोकस करें। अगर आपको वर्ल्ड नंबर 1 बनना है तो वर्ल्ड नंबर 1 पर ही फोकस करें, दिन रात सुबह शाम।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने पूरे हिंदुस्तान में जो ग्रेटर नोएडा का नाम रोशन किया है, तमाम जगह तमाम आर्टिकल्स में जो है आपका जिक्र हो रहा है, इसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि एक दिन आप जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको भी जीत के ग्रेटर नोएडा लाएंगे और ग्रेटर नोएडा का नाम रोशन करेंगे। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।